जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको दिल्ली का ऑक्शन लेके आया हूं आपके लिए। और ये सबसे चर्चित जगह का ऑक्शन है जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑक्शन का। और आज आप ये देख लीजिए, फिर से वही ऑक्शन लेके आया हूं। देखिए, दिल्ली का तुगलकाबाद का ये ऑक्शन है और फिर से ये दो भागों में ऑक्शन है। तो मैं पहले पार्ट को कवर करता हूं, फिर सेकंड पार्ट को कवर करूंगा। ये देख लीजिए, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए चिमनी के कंटेनर आए हुए हैं। यदि आप एक चिमनी के डीलर हैं तो आप इस कंटेनर को खरीद सकते हैं। और ये देखिए खाली सिलेंडर के कंटेनर है, यदि आपको इस सिलेंडर का यूज का अगर कोई काम करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये परफ्यूम बोतल है, देखिए परफ्यूम बोतल, खाली बोतल इंपोर्ट करके अपने देश में इसको रिफिल किया जाता है, तो ये परफ्यूम का बोतल भी है। उसके बाद ये देखिए केमिकल का भी है, विनाइल वगैरह का है, एक तरह का प्लास्टिक दाना भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए थर्मोकोल पैकिंग का है कंटेनर, ठीक है, थर्मोकोल पैकिंग। उसके बाद ये देखिए पीवीसी रेजिन, ये देखिए रहे हैं पीवीसी रेजिन का बहुत सारा यूज है, वो उसका भी कंटेनर है। यदि हम आगे चलते हैं तो सीएफएल लाइट है बहुत सारा। उसके बाद ये देखिए कारपेट है दोस्तों, यदि आप एक कारपेट के डीलर हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद का ये सौदा होने वाला है। कारपेट लगा हुआ है आईसीडी तुगलकाबाद के ऑक्शन में, आप इसको देख सकते हैं। हम इसके बाद लिस्ट की तरफ चलेंगे और लिस्ट में देखेंगे कि ये कब का ऑक्शन है, ऑक्शन नंबर क्या है और कब आप इसको देख सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपको एमएसटीसी में रजिस्टर्ड है तो आप ये जाकर के देख सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है एमएसटीसी में तो कृपया आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, हम आपकी हेल्प करते हैं ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं आपको लिस्ट की तरफ। देखिए हमारे बहुत ही सक्सेसफुल क्लाइंट है जो बिड उठा रहे हैं दिल्ली तुगलकाबाद से, आईजीआई एयरपोर्ट से और भी कई जगहों से। अभी तक हम लोगों ने 100 से ज्यादा लॉट हमारे जो क्लाइंट है उठा चुके हैं और कई सक्सेसफुल बिडर के हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है ऑक्शन एक्सप्रेस, उस पर आप डेली के 2-3 वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं लिस्ट के तरफ और देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें और आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो जान लीजिए दोस्तों, इसमें कोई प्रीवी डीएमडी जमा नहीं करना है, आप ऐसे ही माल को खरीद सकते हैं। बस आपका जो 11,800 का रजिस्ट्रेशन आपने दिया है, बस उसी रजिस्ट्रेशन के ब्याह पे आप इन मालों को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, देखिए किसी भी एक बिजनेस को समझने और सीखने के लिए आप लाखों और करोड़ों रुपए लगा देते हैं, यहां तो मात्र 11,800 रुपए लगाना है। रजिस्टर्ड कीजिए, माल लीजिए, आप एक दो बार माल नहीं खरीदते हैं, नॉलेज तो गेन होगा दोस्तों, नॉलेज गेन कीजिएगा, जाइए माल देखिए, कंटेनर खुला हुआ मिलेगा, आप माल देखेंगे, माल देख के क्या होगा, एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप। एक्सपीरियंस जब गेन हो जाएगा तो आप माल भी खरीदेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट थे, हमने लोगों को शुरू में रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, लोग डरते थे होगा नहीं होगा, आप वही लोग जब माल उठा रहे हैं खुश हो रहे हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, जब आप जानेंगे कि मतलब देखिए जिस लोगों पे, जिस कंटेनर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, बहुत सस्ते में भी बिक जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसका लिस्ट। तो दोस्तों ये तुगलकाबाद वाला मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं जो एमएसटीसी के थ्रू जारी हुआ है, आप वैसे कनकोर के साइड पे जाके कनकोर के तरफ वाली लिस्ट भी देख सकते हैं। मैंने जो यहां लिया है वो जो एमएसटीसी के द्वारा जारी किया गया, हम उसको देखते हैं। टोटल 94 कंटेनर का ऑप्शन है दिल्ली तुगलकाबाद में। आइए उस 94% में से 48 नंबर से जो कंटेनर स्टार्ट हो रहा है हम उसको यहां देखेंगे। तो ये देखिए जो सबसे पहला कंटेनर है टैनिंग मटेरियल है, ठीक है, टैनिंग मटेरियल जो कोई घिसाई के काम में आता है उसके लिए। देखिए पीवीसी रेजिन, जैसा कि मैंने आपको फोटो भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया। उसके बाद में एम्प्टी परफ्यूम बोटल्स, देखिए परफ्यूम बोटल्स को मंगा के यहां रिफिल करके बेचा जाता है उसको, तो ये परफ्यूम बोटल है। उसके बाद हम चलते हैं तो यूज ओल्ड कारपेट, देखिए यूज और ओल्ड कारपेट जैसा कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया था आपको, तो इसका डिमांड अपने यहां बहुत ज्यादा है और ये रुका है। तो क्यों रुका है, देखिए रिमार्क भी दिया हुआ, बिडर इज टू बी लिस्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर सर्कुलर नंबर 711/2/98। ये क्या है, मैं इसको अच्छे से आपको इसको एलिबरेट करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे जब हम चलते हैं, ये देखिए ओल्ड कारपेट रोल, फिर से ओल्ड कारपेट रोल है, दो कंटेनर ओल्ड कारपेट रोल का है। फिर उसके बाद चलते हैं तो इलेक्ट्रिक चिमनी ब्रांड आई का, देखिए पहले जैसा कि मैंने दिखाया वैसा ही इलेक्ट्रिक चिमनी है ये। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं, उसके बाद में ट्यूबलाइट का पूरा कंटेनर है। फिर उससे हम आगे चलते हैं तो देखिए सिलेंडर है, एम्प्टी सिलेंडर है जैसा कि मैंने आपको फोटो वीडियो में दिखाया है, बाकी एक्चुअल आप प्रोडक्ट जा करके देखेंगे वहां। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इथिनिल विनाइल कारपेट को पॉलीमर एंड वेस्ट पेपर पल्प जो है मैंने दिखाया अभी आपको, वैसा ही कुछ होगा, बाकी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये देखिए फोम का कुछ है दोस्तों। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए थर्मोकोल पैकिंग का
आइटम है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये एल्यूमिनास है, उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो ओल्ड क्लोथिंग बेल है। देखिए ओल्ड क्लोथ के लिए क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार क्या होता है जो जो आपका कंपनी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सोसाइटी और ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और उसके बाद फिर हम चलते हैं तो ये है स्टोन टाइल्स है। फिर स्टोन टाइल्स के बाद हम जब बात करते हैं तो देखिए ओल्ड क्लोथ है, तो यदि जो भी आपका इससे रिलेटेड है, देखिए रफ मार्बल ब्लॉक है, तो जो इस आपके बिजनेस से रिलेटेड है जाइए उस कंटेनर को देखिए और खरीदिए। फिर देखिए फैब्रिक रोल है, हमारे कई क्लाइंट फैब्रिक खरीदे और फिर से इसमें फैब्रिक रोल है, इसको भी मतलब लोग लेंगे अभी। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देखिए मार्बल ब्लॉक है फिर से, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं तो ये देखिए ब्रेक शू पैड है, ब्रेक शू पैड मेड ऑफ अब स्टोन्स पता नहीं क्या है, आपको जाके देखना पड़ेगा, ब्रेक शू है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो शू इन सॉलिड कंडीशन, देखिए शूज का भी कंटेनर है, देखिए यहां पे दोस्तों की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद में फिर शूज है जो डैमेज कंडीशन में है, और फिर उसके बाद हम चलते हैं तो वी गार्ड कुछ ग्लास है, फिर उसके बाद में हमारे पास इस बार ग्लासवेयर के भी कंटेनर है, तो ग्लासवेयर के हमारे क्लाइंट हैं और वो इसमें माल खरीदे, हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट माल खरीदे इसमें। फिर उसके बाद में देखिए शू जो है सॉलिड कंडीशन, ओल्ड क्लोथिंग बेल, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें बहुत इस बार ड्राई बैग के भी कंटेनर है, उसके बाद फिर ओल्ड क्लोथ है, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ये लूज पैकिंग पता नहीं क्या है, सॉरी ओल्ड क्लोथ का ही है नीचे दिख रहा है। फिर 75 नंबर क्या है, ग्लासवेयर का कंटेनर है इसमें दोस्तों, जो कि हमारे कई क्लाइंट हैं वो इस बार खरीदेंगे ये। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये ओल्ड क्लोथ है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं फिर से ओल्ड क्लोथ है, तो ओल्ड क्लोथ का सबसे ज्यादा आता है दोस्तों, और ये सारा सबसे ज्यादा जाता है सोनीपत और पानीपत के क्लाइंट खरीद के ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो ये देख लीजिए फिर ओल्ड क्लोथ है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मेटल फॉर रिसाइकलिंग, ध्यान रहे जो आप ये देखिए सीपीवीसी अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये देखिए उसके बाद हम देखिए बाउल सेट, जग सेट जो पिछली बार आया था फिर से वही है। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो फिर से मेटल स्क्रैप है, और मेटल स्क्रैप के बाद फिर आयरन फ्रेम है, फिर उसके बाद में जो हम चलते हैं आयरन फ्रेम के बाद में देखिए ब्रैकेट एंड हिंजेस हैं, फिर उसके बाद में कार्लो रेड रोज वाइन है, ये दो बार से लग रहा है ऑक्शन में पर बिडर नहीं आ पा रहा है, बिडर इस वजह से नहीं आ रहा है कि टर्म्स कंडीशन जो है वो बहुत ही हायर है, इसका जो टर्म देखिए जो इसका इसको लेगा उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए एक दो कंटेनर वही है, फिर तीन कंटेनर वही रेड वाइन रेड कार्लो रोज वाइन का ही है, फिर स्टील ड्रम है ये भी पिछली बार आया था, फिर उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं फिर ओल्ड क्लोथ है, फिर उसके बाद में देखिए ड्राई डेट जो सबसे सेंसिटिव है, ये ड्राई डेट है, ड्राई डेट के खरीदार बहुत हैं तो इस बार ड्राई डेट के फिर से प्राइस हाई जाने वाली है। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो सीओ एक्सेल केबल, ये पहले भी आ चुका है शायद वही कंटेनर है, और क्यों रह गया नहीं पता, शायद हो सकता है कोई प्राइस हाई लगा के ना आता हो। देखिए वो वही ये फिर से ट्रांसफार्मर का कंटेनर है, तो पिछली बार ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था दोस्तों, किसी ने 1,60,00,000 रुपए लगा दिया था, गलती से एक जीरो आगे लगा दिया था, 16 लाख पे चल रहा था बोली, और उसने गलती से वो जानबूझ के नहीं उठाया होगा, उसका आईडी भी सस्पेंड हो गया होगा जिसने भी बोली लगाई, तो ये सब चीजें सीखनी होती है दोस्तों, तो ये जब आप सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से जो लास्ट है फुटवेयर देखिए दोस्तों, जो जूते के चप्पल के कंटेनर होते हैं बहुत ही उसके मतलब बहुत ही लोग देखने वाले आते हैं, तो इस वाले जो ऑप्शन में टोटल 47 लॉट है। तो बाकी ये आपने समझा, मैं दूसरा लिस्ट भी आपको कल के वीडियो में डालने वाला हूं, अगर वो भी आप घर बैठे देखना चाहते हैं तो लिस्ट देख सकते हैं, और आपका अगर प्रोडक्ट कोई आया है तो आप जाएं देखें माल खरीदें, और सक्सेसफुली हम कई क्लाइंटों को ऑक्शन की माल की डिलीवरी कराने में सक्सेसफुल रहे हैं, हमारे कई क्लाइंट है जो बहुत जगहों से मतलब ये इन इंपोर्ट के अलावा भी छोटे छोटे जगहों से बड़े बड़े जगहों से वो माल खरीदने में सफल हो रहे हैं और हम उनको डिलीवरी गुड्स दिला रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का ऑक्शन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और हम ट्राई करेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो दूसरा ऑक्शन का जो लिस्ट है मैं आपसे जल्दी शेयर करता हूं, उस पर भी एक वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।